धन्यवाद सर, आज यहाँ पे आपने मुझे महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पे बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं आपका और मेरी पार्टी का आभार व्यक्त करती हूँ। मुझे याद आता है यहाँ जब मैं खड़ी रही, चुनाव के बाद में ये पहला सेशन हमारा हो रहा है, तो मुझे याद आ रहा है डॉक्टर विश्वास का एक पंक्ति जिन्होंने बोला है कि सत्ता के कारण अहंकार में लुप्त लोगों के क्या हाल होते हैं, उधर वो हाथों में पत्थर बदलते रहते हैं, उधर वो हाथों में पत्थर बदलते रहते हैं, इधर भी अहले जुनूस पर सर बदलते रहते हैं, इधर भी अहले जुनूस पर सर बदलते रहते हैं। ये दबदबा, ये हुकूमत और ये दौलत, ये दबदबा, ये हुकूमत और ये दौलत सिर्फ किराएदार है, सबके सब घर बदलते रहते हैं। सर, परिस्थिति कायम बदलती रहती है और उसका हम सब साक्ष्य प्रमाण लेते हैं। रावण को भी यही अहंकार था कि मैं सबका मालिक हूँ, रावण को यह अहंकार था कि मैं अकेला सब पे भारी पड़ूंगा, लेकिन वो भारी नहीं पड़ा और पूरा का पूरा जो रामायण हुआ वो आप सबको मालूम है। यह एहसास दिलाने का काम सत्ता पक्ष को, ये एहसास दिलाने का काम हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने किया है। कल के भाषण में उन्होंने उनका पूरा का पूरा अहंकार का मुखौटा फोड़ डाला और बता दिया कि आपका सत्य चेहरा क्या है। लोकसभा में तो उन्होंने कह ही दिया, यहाँ पे हमारे खड़गे साहब ने भी यही वक्तव्य करके पूरा आईना उनको दिखाने का काम किया। इस देश के 64 करोड़ लोगों ने मतदान के रूप में उनको ये बताया है, जताया है कि आप परमानेंट नहीं हो, आपको भी कभी ना कभी जाना है और वो जाने का समय अब नज़दीक आ गया है। सर, 10 साल का हिसाब अगर हम मांगेंगे, क्योंकि हमेशा वो 70 साल बोलते रहे, हम 10 साल का हिसाब मांगेंगे और पूछेंगे कि 10 साल में आपने क्या किया, तो सिर्फ जुमले, सिर्फ नारेबाजी, सिर्फ लोगों को भ्रमित करना, इतना ही काम करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। 75 साल की आज़ादी का जब हम अमृतकाल मना रहे हैं, मैं इनको याद दिलाना चाहती हूँ कि आप जब याद करते हो, बाकी के क्षण याद करते, बार बार बोलते रहते हो, दोहराते रहते हो, लेकिन मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि आज़ादी प्राप्त करने के लिए इस देश के बहुत सारे लोगों ने कुर्बानी दी है। यहाँ पे कांग्रेस का योगदान अगर आपने नकारा तो ये आपकी गलती हो जाएगी, इतना ही अभूतपूर्व योगदान उन्होंने किया है। लेकिन ये लोग सिलेक्टिव अल्जाइमर है सर, उनको सिलेक्टिव अल्जाइमर कभी कभी भूल जाते हैं, कभी कभी अचानक से उनको याद आता है, जैसे बीच में एक पिक्चर आई थी आमिर खान की, वैसे बीच में कुछ याद आता है, बीच में भूल जाते हैं, गजनी गजनी। तो सत्ताधारी ये भूल जाते हैं, ये भूल जाएंगे कि इस देश को ये चेहरा देने का काम ये कांग्रेस पार्टी ने और हम लोगों ने, इस देश की जनता ने किया है। इस देश में IIT हो, IIM हो, स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, हम सबको जो ताकत यहाँ पे आने की मिली है वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी की देन है, वो ये भूल जाते हैं। आप कितनी भी कोशिश करें, लेकिन जब एक छोटे परिवार में एक बाप जब बच्चों को बड़ा करता है, उनको सिखाता है, उनको खिलाता है, बड़ा करके नौकरी पे लगाता है, और फिर वो बच्चे पूछते हैं बाप को कि आपने हमारे लिए क्या किया, तो बाप बोलता है बेटा बाप तो बाप ही होता है, वैसे हम बाप ही है, बेटा नालायक भी हो तो हम तो बाप ही हैं। महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में ये बोला कि दुनिया भर के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए स्वस्थ स्पर्धा होनी चाहिए, ये उन्होंने बोला। यही कम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की सच्ची रिस्पेक्ट है, सच्ची स्पिरिट है, ये उन्होंने बोला था। मैं महाराष्ट्र से आती हूँ सर, और महाराष्ट्र में इसका मैं उदाहरण दे के बोलना चाहती हूँ कि इन 3-4 सालों में जितने भी 16-17 उद्योग जो आए थे, वो सब के सब महाराष्ट्र से गुजरात में ले जाने का काम ये डबल इंजन की BJP की सरकार ने किया है, और दोनों। और मैं बताना चाहती हूँ, वेदांत फॉक्सकॉन सबमरीन प्रोजेक्ट, टाटा एयरबस एयरक्राफ्ट, बुल्स बल्क ड्रग का प्रोजेक्ट, डायमंड पार्क, ये सभी के सभी है, तो दो चार नाम है, लेकिन सभी के सभी आप इधर बोले देखकर, चेयर प्लीज सीट पर बैठकर ना बोले, तो ये सभी के सभी गुजरात में ले जाने का काम अगर किसी ने किया है, जब ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं, जब ये बोलते हैं कि हमें सबको साथ देना चाहिए, लेकिन महाराष्ट्र के आए उद्योग आप गुजरात में लेके जाते हो, ये कहाँ का न्याय हुआ सर, ये आप बताइए। ये महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा अगर डाकाखोरी, मुझे मालूम नहीं आपको डाकाखोरी दरोड़ेखोरी नाम अलाउड है कि नहीं हमें, लेकिन ये अगर हुई है तो हमारे गवर्नमेंट पे हुई है। आपको बताना चाहती हूँ एक
एक पार्टी का नारा बन गया था, 50 खोके बाकी सब ओके, यानी 50 खोके ले लो और पार्टी छोड़ो और बीजेपी में जाके वॉशिंग मशीन में जाके धुल के आ जाओ, ये हमारा नारा था। बताया आपसे, आग्रह किया था कि जो भी मेंबर्स एलिगेशन लगाना चाहते हैं पर रूल्स आपको सब्स्टिनेट करना है, आपको उसको सर्टिफाई करना है कि मैं करूंगी। हमारे यहाँ छोटा बच्चा भी बोलता है पर रूल 238 आपको सर्टिफाई करना होगा, छोटा बच्चा भी बोलता है 50 खोके बाकी सब ओके, ये नारा बहुत प्रसिद्ध हो गया है। दूसरी पार्टी को भी कभी सुबह 7 बजे शपथ विधि किया, कभी दोपहर को किया, एक एक पार्टी एक एक घर तोड़ मरोड़ के उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बना तो ली। और हमारे बाकी के लोग तो यहाँ बोले, जिनको वॉशिंग मशीन में डाला, जिनके ऊपर आपने अमुक घोटाला तमुक घोटाला 70,000-80,000 इतने बड़े बड़े नाम दिए थे, वो सभी लोगों को पार्टी में लिया, वॉशिंग मशीन में डाला और एकदम साफ हो गए, वो एकदम निर्मा की चमकाई आ गई उनको, गुजरात का निर्मा है तो उसकी चमकाई आ गई। और फिर वो लोगों को उन्होंने अभी यहाँ पे बिठाया है पहले रंग लाइन पे। मुझे इतना ही कहना है सर कि जब हमें बोलते एक है और करते एक है तो कम से कम जो लोग हमारे साथ रहते हैं उनको तो हमने बिल्कुल साथ देना चाहिए। और ईडी कभी सीबीआई और ये जो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी उन्होंने लगाई 10 साल से कि कभी भी अगर खिलाफ बोले तो अंदर, तुम्हारे लोग घबरते हैं बोलने के लिए भी, हमारे साथ बात करते हुए भी घबरते हैं। तो ये जो है डर, ये जो भयानक वास्तव जो है उसको हमें कम करना चाहिए। एक राज्य के विकास में देश का विकास, ये महामहिम राष्ट्रपति जी ने बोला था, राज्य के विकास में ही देश का विकास होता है। ये क्या राज्य का विकास हो रहा है? जैसे एक राज्य को आप कम करते हैं, एक राज्य को ज़्यादा देते हैं, ये कहाँ का फेडरलिज्म है? आज मैं बात करना चाहती हूँ कि राष्ट्रपति जी ने बोला था विकसित भारत सभी संभव है जब देश के गरीब, युवा, नारी शक्ति और किसान सशक्त होंगे। ये उनका वाक्य है, उनके स्पीच का। सर, गरीब और बेरोजगारी से जूझ रहा है, महंगाई से जूझ रहा है, कहाँ से उनको आप सपने कहाँ से दिखाते हो, कहाँ से आप समझते हो, अपनी पीठ थपथपा रहे हो कि हमें बहुत अच्छे दिन है? अच्छे दिन का सपना तो कभी का कभी आपका हो गया है। युवा का भविष्य उसको मालूम नहीं क्योंकि वो बेरोजगारी से जूझ रहा है। आज हमारे महाराष्ट्र के युवा आज भ्रमित इसलिए है क्योंकि उनकी जो जमीन थी वो जमीन में उत्पन्न नहीं आता है, MSP लीगलाइज नहीं हुए हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। और जिस क्षेत्र से मैं आती हूँ, मराठवाड़ा क्षेत्र से, सर मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि इतना आंदोलन, वहाँ मराठा आंदोलन चल रहा है कि वहाँ पे लोग आक्रोशित है, क्रोधित है, क्योंकि उनको नौकरियाँ नहीं घर में उन बच्चों को। और वो बोलते कि आप आरक्षण की बात करते हैं, हमें तो न्याय दे दो। तो वो न्याय हमें देने की ज़रूरत है और उसके लिए सरकार ने कदम उठाने चाहिए। महिलाओं के लिए मैं बात कहूँगी क्योंकि हम महिला आरक्षण से पहली बार जिला परिषद में मैं चुन के आई थी। जब हम पहली बार आए थे तो हमारे नेता राजीव गांधी जी ने वो आरक्षण दिया था, 50% महिलाओं को, 33% महिलाओं को पंचायतों में, नगर पंचायतों में आरक्षण दिया और उसके तहत हम लोग पहली बार चुन के आए और तब से यहाँ तक आने लाने का काम हमारी पार्टी ने किया। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नारी शक्ति वंदन डिक्लेयर कर दिया लास्ट सेशन में, सभी नारियों को बुलाया देश भर के और खुद का सम्मान करवा लिया। मैं पूछना चाहती हूँ 10 साल के बाद मिलने वाला जो हमें आरक्षण है उसके लिए आप अभी से बात करते हो, जो बीरबल का जो खिचड़ी है वो कब पकेगी, इसके लिए वेट कर रहे हैं, बीजेपी की खिचड़ी पकी रही है इसके लिए हम वेट कर रहे हैं। मुझे एक यहाँ से बात जरूरी कहनी है कि नैरेटिव की बात सदन में कर दी गई, तो नैरेटिव जो है वो नैरेटिव किसी ने सेट नहीं किया, वो लोगों ने अपने आप समझ लिया है, किसी ने भी लोगों के मन में कुछ डाला नहीं, नैरेटिव सेट हो गया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने भाषणों में बोला कि अगर हमें ज़्यादा बहुमत देते हैं तो हम इस घटना को बदल देंगे, देखेंगे हम घटना का कैसे हम चमत्कार करके दिखाएंगे, ऐसे बता था। नाम भी अगर आप चाहते हैं तो मैं उसका ले सकती हूँ लेकिन ये वाजावाजी भी नहीं होगा। तो ये सब सांसदों ने बना नैरेटिव बनाया। हमारे नेता विपक्ष कल मूर्तियों के बारे में बोले, मूर्तियों के बारे में उनका कहना यही था कि एक कमेटी होती है, अगर कोई भी फोटो भी लगाना होता है पार्लियामेंट में तो वो कमेटी में मंजूर होता है और उसके बाद में वो आप कमेटी उसके मंजूर होती है। ये तो हमें मालूम ही नहीं था कि कब गए, हम ढूंढते रहे गांधी जी कहाँ है, हम ढूंढते रहे अम्बेडकर जी कहाँ है, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज कहाँ है, उनकी मूर्तियाँ ही कहाँ है, जब हम आए तो मूर्तियाँ गायब थी और अभी बोल रहे हैं कि बहुत बड़ा पार्क हम कर रहे हैं और उसके वहाँ पे बहुत अच्छी जगह पे रख रहे हैं। सर मुझे यही कहना है कि लोगों के कम से कम नज़र पड़े ऐसी जगह पे आपने रखना चाहिए। और इसके आगे मैं यही बोलूँगी कि जब आप
काम करते हैं। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण कम से कम 3-4 बार हम सुन के आज मुझे बोलने का मौका मिला है, लेकिन मेरा यही विनती है कि इसके ऊपर विचार करें जो मुद्दे हमने उठाए। धन्यवाद। थैंक यू श्रीमती रजनी जी। माननीय श्रीमती सागरिका घोष जी।